नील नदी के युद्ध का समय निकट आ रहा था। नेल्सन ने अपने कमांडरों के सामने युद्ध का मानचित्र फैलाया। कैप्टन बैरी ने उसे देखा और प्रसन्न होते हुए बोल उठा, यदि समय ने हमारा साथ दिया, यदि हम विजयी हुए तो संसार क्या कहेगा। नेल्सन भला कैसे चुप बैठ सकता था। वह कुछ कर्कश स्वभाव में बोला, समय कर्म करने वालों का साथ देता है। हमारे पास यदि के लिए कोई स्थान नहीं है। निश्चित रूप से विजय हमारी होगी। हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारी विजय गाथा कहने वाला कोई जीवित रहेगा या नहीं, यह हम नहीं जान सकते। थोड़ी देर बाद जब कमांडर लोग अपने खेमों की ओर लौटने लगे तो नेल्सन फिर दृढ़ निश्चयपूर्वक बोला, कल इस समय से पूर्व या तो मैं विजयी हो जाऊंगा या वेस्टमिंस्टर गिरजे में मेरे लिए कब्र तैयार हो जाएगी। सब लोग चले गए। जहां नेल्सन के साथी पराजय की संभावना देख रहे थे, वहीं नेल्सन की तीक्ष्ण दृष्टि और साहसी आत्मा को अपूर्व विजय का अवसर दिखाई दे रहा था। वह सदैव सफलता की सोचता था, असफलता की नहीं, इसलिए वह सफल रहा। दरअसल सफलता के बारे में सोचने से आपका मस्तिष्क ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका मस्तिष्क ऐसे विचार सोचता है जिनसे आपको असफलता ही हाथ लगती है। सेंट बर्नार्ड की घाटी की जांच पड़ताल और निरीक्षण करके इंजीनियर लोग लौटे तो नेपोलियन ने पूछा, क्या सचमुच एल्प्स पर्वत पार करना संभव है। इंजीनियरों ने थोड़ा झकते हुए उत्तर दिया, श्रीमान संभव है कि हम यह पर्वत को पार कर लें। नेपोलियन ने सोचा कि यदि समय हाथ से निकल गया तो बाद में लकीर पीटते रह जाएंगे। उसने दुर्गम मार्ग और उसमें आने वाली कठिनाइयों की ओर तनिक सभी ध्यान दिए बिना आदेश जारी कर दिया, जवानों आगे बढ़ो। 60,000 सैनिकों का भारी शस्त्रार्थ लेकर एल्प्स पर्वत की दुर्गम चोटियों को पार करना बहुत ही कठिन कार्य था, किंतु उस समय नेपोलियन का एक साथी जिनेवा में शत्रु की सेनाओं से घिरा हुआ था और भूखों मर रहा था। विजय के मद में अंधे ऑस्ट्रियन सैनिक नील के फाटकों पर धावा बोल रहे थे। ऐसे समय नेपोलियन कैसे चुप बैठ सकता था, वह अपने साथियों को विपत्ति में कैसे छोड़ सकता था। नेपोलियन ने जब असंभव बात को भी संभव कर दिखाया तो कुछ लोगों का कहना था कि नेपोलियन ने समय को पकड़ दिया था, इसलिए वह सफल हुआ। कुछ का कहना था, जो समय के महत्व को नहीं जानता वह बाद में पछताता है, इसलिए समय के महत्व को जानना और उसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका मानना था कि यह कौन सी बड़ी बात थी, यह तो पहले भी संभव था, जब समय साथ देता है तो सफलता मिल ही जाती है। किंतु अधिकांश व्यक्ति और बहुत से सैनिक भी एल्प पर्वत की कठिनाइयों के कारण ही इस कार्य को दुष्कर समझते थे। सेनाएं एकत्र थी, भयंकर शस्त्रार्थ थे, कमी थी तो केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की। इस चीज की कमी नेपोलियन में बिल्कुल भी ना थी। उसका हृदय वज्र के समान कठोर था, समय पर उसकी पकड़ थी और किसी भी अवसर को वह हाथ से ना जाने देना चाहता था। बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अवसरों को अपने अनुकूल बना लेने की उसमें क्षमता थी, इसलिए संसार उसका लोहा मानता था। बिरला उद्योग समूह के संस्थापक श्री जी डी बिरला और टाटा उद्योग समूह के संस्थापक श्री जमशेद जी टाटा अपने जीवन के प्रारंभ में बहुत ही साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति थे, किंतु उन्होंने अपने परिश्रम, बुद्धि कौशल, समय के प्रबंधन और सूझबूझ से आर्थिक जोखिम उठाने के साहस से धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में महान आर्थिक सफलताएं अर्जित की। अमेरिका का अरबपति एंड्रयू कार्नेगी किशोर अवस्था में एक स्टील मिल में मजदूर का कार्य करता था, किंतु उसने परिश्रम करके धन कमाया, बचत करके उसे जोड़ा और बढ़ाया और फिर उससे विभिन्न उद्योगों के शेयर्स खरीदे। वह अपनी लगन और सूझबूझ से उन्नति के पथ पर लगातार बढ़ता गया। वह समय के साथ चलता रहा, इसलिए समय भी उसका साथ देता रहा। उसे धन कमाने से उतना ही प्रेम था जितना किसी प्रेमिका को अपने प्रेमी से होता है। वह प्रत्येक कार्य उसके समय पर ही करता था। वह एक दिन पहले ही यह निश्चित कर लेता था कि कल क्या क्या और कैसे करना है। टाइम को मैनेज करने की उसमें अद्भुत क्षमता थी और एक दिन वह अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। स्वर्गीय मोहन सिंह ओबराय ने अपना जीवन होटल के एक साधारण क्लर्क के पद से प्रारंभ किया। अपने परिश्रम, बुद्धिबल और अपने लगातार मेहनत की वजह से वह होटल के मैनेजर बने। फिर उन्होंने होटल ही खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने भारत में ही नहीं विश्व के अनेक स्थानों पर 5-स्टार होटल स्थापित किए। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ होटलों के मालिक के रूप में होती थी। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो समय के साथ आगे बढ़े, उसका सदुपयोग किया और उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच गए। इन लोगों में निम्नलिखित गुण विद्यमान थे, एक निश्चित लक्ष्य को पाने की ज्वलंत इच्छा शक्ति, आत्मसंयम, आत्मविश्वास, उत्साह, सही निर्णय लेने और पहल करने की शक्ति, समय का उचित प्रबंधन, समय के साथ आगे बढ़ने की क्षमता, समय के मूल्य और महत्व को जानना। होरेसस ने कहा था, आज मैं जो कर रहा हूँ वह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बदले मैं अपने जीवन के एक दिन का मूल्य दे रहा हूँ। मेरी उपलब्धि महत्वपूर्ण होनी चाहिए क्योंकि समय का मूल्य सबसे अधिक है। होरेसस ने टाइबर नदी के पुल पर केवल 2 सैनिकों के साथ 90,000 टक्सरों की सेना को पुल टूटने तक सिर्फ इसलिए रोके रखा क्योंकि वह जानता था कि यदि सेना पुल के इधर आ गई तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। उसके लिए एक क्षण महत्वपूर्ण था। यदि समय रहते पुल ना टूटा और शत्रु सेना इधर आ गई तो उसे और उसके दोनों सैनिकों को छिपने की कोई जगह नहीं मिल पाएगी और उन्हें गोलियों व संगीनों से छलनी कर दिया जाएगा। उसने समय के मूल्य को समझा और अंततः सफल रहा।
प्रायः अधिकांश लोग यह शिकायतें करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि हर मनुष्य के पास हर दिन के 24 घंटे ही होते हैं। जब आप प्राथमिकताएं निश्चित करेंगे, जब आप आवश्यक कार्य करेंगे और अनावश्यक कार्यों को छोड़ देंगे, तो आपके पास काफ़ी और पर्याप्त समय होगा। प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन में 24 घंटे दिए गए हैं और उसके अकाउंट में 1440 मिनट जमा किए गए हैं। जब ये मिनट समाप्त हो जाते हैं तो आप उस दिन में और मिनट नहीं जोड़ सकते। आपका दिन समाप्त होने पर जब इन मिनटों का उपयोग हो जाता है तो आप थोड़ा सा भी अतिरिक्त समय नहीं खरीद सकते, चाहे आपके पास कितना ही धन हो या आप कितनी शक्तिशाली हों। समय की अपनी एक निश्चित गति है जिस पर वह आगे बढ़ता रहता है और कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यह किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं रुकता। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कितने धनी, वैभवपूर्ण और शक्तिशाली हैं या कितने प्रतिष्ठित हैं, यह लगातार आगे बढ़ता रहता है। आपको समय का सम्मान करना होगा और बुद्धिमानी के साथ इसका उपयोग करना होगा, क्योंकि आप कौन हैं, समय इसकी परवाह नहीं करता। समय सबके लिए समान है। यह शक्तिशाली और दुर्बल, धनवान और निर्धन, बड़े और छोटे, सभी को एक सी नियामत देता है। सफलता की कुंजी यह नहीं कि आपके पास कितना समय है, बल्कि सफलता की कुंजी तो यह है कि आपने आपके पास प्राप्त और उपलब्ध समय का कितना सही तरीके से उपयोग किया है। आपने अपने समय का प्रबंधन कैसे किया है, अर्थात उस समय में आप क्या करते हैं। क्या आप अपने समय का समझदारी से उपयोग कर रहे हैं या फिर आप अपने मिनटों को बस यूं ही गंवा रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।